हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोले भटूरे, जिसके लिए मैंने 3 कटोरी मैदे का आटा, आधा कप दही, नमक और खाने का सोडा लिया है। चलिए सब में पहले हम भटूरे का आटा गूंद लेते हैं। आटा हमने डाल दिया है, अब हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे, आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधा कटोरी दही और 4 चम्मच तेल डाल देंगे। चलिए अब हम इसे गूंद लेते हैं, इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। देखिए आटा हमारा हो चुका है, अब हम इसे आधा घंटा ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारा आटा गून के तैयार हो चुका है, अब हम छोले की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो छोले, कांदा लहसुन मसाला, हल्दी, नमक, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, 1 टमाटर बारीक कट किया हुआ, दही, 1 प्याज बारीक कट की हुई ली है। चलिए सब में पहले हम कुकर में तेल डालेंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के भूनेंगे। देखिए प्याज लाल हो चुके हैं, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 कटकी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला और आधा कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसे कंटिन्यू हिलाएंगे, नहीं तो दही फट जाता है। देखिए मसाला भून चुका है, अब हम इसके अंदर छोले डालेंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 ग्लास पानी डाल देंगे। अब इसे ढककर हम 4 सीटी ले लेंगे। देखिए छोले हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ा दबा लेंगे। छोले बन चुके हैं, अब हम इसके ऊपर हरा धनिया कट करके डालेंगे। देखिए आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, अब हम भटूरे बना लेंगे। चलिए सब में पहले हम तेल गरम के लिए रख देते हैं। चलिए अब हम आटे की लुई बना लेते हैं। सब में पहले हम आटे की लुई को थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इसे हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे। चलिए अब इसे बेल लेते हैं। देखिए ये हो चुकी है, अभी हम इसे तल लेंगे।
देखिए कटोरा कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। चलिए अब हम इसे निकाल देते हैं। देखिए हमारे छोले भटूरे तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी ये सिंपल रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।